एवरीवन नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ स्किन केयर काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट और थोड़ा एक आध चीज़ उसमें ब्यूटी की भी है। तो इस तरीके का मैं अमेजन हॉल शेयर करने वाली हूँ। तो एंड दिस वीडियो इज ऑल्सो इन अ कोलैबोरेशन विद MHS। जिनको नहीं पता है MHS क्या होता है, MHS कुछ नहीं है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया रहेगा। जैसे आप नॉर्मली शॉपिंग करते हो तो आप कैसे अलग 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 हम लोग लिंक्स डालते हैं, एक एक लिंक क्लिक करके देखना पड़ता है। तो MHS में क्या करना होता है, आपको सिर्फ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक सिंगल लिंक होता है उसको क्लिक करना है एंड सारा शॉपिंग का जो भी आइटम है वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स उसके अंदर आ जाएंगे, फैशन वाले प्रोडक्ट्स कपड़े वाले उसमें आ जाएंगे। तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि मैंने अब तक के जितने भी हॉल्स बनाए हुए हैं फैशन एंड ब्यूटी से रिलेटेड वो सारे उसके अंदर आपको मिलेंगे। तो यस, विदाउट फर्दर अडू लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट प्रोडक्ट। मैंने जो सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट मंगवाया है वो है ये है कामा आयुर्वेदा का सुवर्णा हल्दी चंदन पैक। पहले हल्दी चंदन वाला यूज करती थी, वो खादी का था मेरा और इसके मैंने काफी अच्छे रिव्यूज देखे थे तो मैंने सोचा कि मैं इसको ट्राई करती हूँ। और ये न्यू लॉन्च है कामा आयुर्वेदा का, मैंने इसको एक दो बार लगाया है। एंड अभी देखो यार, फेस पैक ये हर्बल चीजें, नेचुरल चीजें, नेचुरल चीजों को आप ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वो अचानक से आपकी स्किन है ना बहुत अच्छी कर दे। बट हाँ, जो नॉर्मल किसी भी फेस पैक को लगाने के बाद आपकी स्किन एकदम क्लीन एंड ब्राइट लगती है, वैसे मुझे ये लग रहा था। बट अभी मैं इसको और थोड़ा यूज करूंगी, वन मंथ यूज करूंगी, उसके बाद हफ्ते में दो बार, एंड फिर आपको एक प्रॉपर रिव्यू दे पाऊंगी मैं कि हाँ ये बेस्ट है कि नहीं है यूज करने के लिए। बट मुझे ट्रस्ट है कामा आयुर्वेदा के प्रोडक्ट्स के ऊपर। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है कामा आयुर्वेदा का, ये है निम्रा फेस पैक। तो ये बेसिकली किस लिए होता है, ये एंटी एक्ने फेस पैक है। ये मेरे पास पहले भी था, आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा, तो ये काफी अच्छा वर्क करता है। इफ यू हैव एक्ने प्रोन स्किन यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस प्रोडक्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये जिलेट का सैटिन केयर सेंसिटिव स्किन शेव जेल विद एलोवेरा। सो इफ यू आर समवन, अभी लॉकडाउन में तो मतलब मैं लॉकडाउन से पहले भी आई डोंट गो फॉर यू नो वैक्सिंग एंड ऑल दैट, मुझे वो बहुत ही ऐसे क्योटिक प्रोसेस लगता है एंड पेन एंड ऑल एवरीथिंग। सो मुझे सबसे ज़्यादा जो ईजी मेथड लगता है वो होता है पूरा शेव कर लो आराम से। तो उसके लिए जैसे आप, मैं पहले कैसे करती थी कि बॉडी वॉश लगा करके एंड देन फिर शेव करती थी, बट ये उससे भी ज़्यादा अच्छी तरीके से वर्क करता है। आप इसको आराम से लगाइए, इतना सा आपको ड्रॉप डालना होता है, पूरे आपके हाथ में ये एज अ शेविंग जेल हो जाता है, आपकी बॉडी बहुत सॉफ्ट हो जाती है एंड आपके बहुत ईजिली हेयर जो है वो रिमूव हो जाते हैं वन गो में। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मैं एक बॉटल खत्म कर चुकी हूँ, ये मेरा सेकंड बॉटल है। तो ये है मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये खादी का जैस्मिन एंड मोगरा बॉडी वॉश, ये हर्बल बॉडी वॉश है। मैं इसका छोटा टब यूज कर चुकी हूँ ऑलरेडी और काफ़ी अच्छा बॉडी वॉश है, हर्बल है। इसका फ्रेग्रेंस इस तरीके का था कि आप ऐसे कैप ओपन करोगे ना तो पूरे रूम में फ्रेग्रेंस आ जाएगा, इतना स्ट्रॉन्ग और इतना अच्छा और सूदिंग सा था। आप वॉशरूम से निकलोगे तो बिल्कुल उसी की खुशबू आएगी, महकेगा बहुत ज़्यादा वॉशरूम, इट माइट पॉसिबल, बट ये काफ़ी अच्छा है एंड काफ़ी अच्छा वर्क भी करता है। तो ये है मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पे। तो मुझे ना एक हर्बल नेचुरल सनस्क्रीन ट्राई करना था। मेरे पास जो सनस्क्रीन है वो सारे अभी तक मैंने जितने भी यूज़ करे हैं मोस्टली सब केमिकल्स वाले ही हैं। तो मुझे ये फॉरेस्ट एसेंशियल का सन फ्लूइड है, सन फ्लूइड SPF 50 है जो मैंने मंगवाया है। एंड मैं बताती हूँ इसको, इसको मैंने दो बार यूज़ किया, एक मैंने आज यूज़ किया था और एक मैंने कल यूज़ किया था। तो मुझे इसको लगाने के बाद, जैसे अभी तो मैं मेकअप लगाई हूँ, मैं इसी में बैठी हुई तो मुझे कुछ चिपचिपापन फील नहीं हो रहा है, बट मुझे ये थोड़ा सा ग्रीसी लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि ऑयली स्किन वालों के लिए हल्का सा ग्रीसी है। इफ़ यू आर समवन फ्रॉम अ ड्रायर स्किन टाइप ना, मतलब अभी क्योंकि ये रेनी सीजन है, इस तरह का सीजन है, बहुत ह्यूमिड सीजन है, आप नॉर्मली भी कुछ लगाते हो तो आपको बहुत अजीब लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है ये नॉर्मल वेदर में बहुत अच्छा वर्क करेगा, और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप डेफिनेटली बिना सोचे समझे इसको ले सकते हो। बट अगर आपकी एक्सेसिव ऑयली स्किन है तो थोड़ा सा मैं बोलूँगी, मैं किसी व्लॉग में डेफिनेटली अपडेट कर ही दूंगी कि मैं क्योंकि इसको यूज़ कर रही हूँ, कल से मैंने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है तो दो दिन ही हुए अभी मुझे इसको यूज़ करे हुए। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने मंगवाया है वो मंगवाई है ये द बॉडी शॉप का गम किट। तो इसमें क्या क्या आया है, एक तो ये बॉडी वॉश आया है, उसके बाद ये बॉडी क्रीम आया है एंड थर्ड आया है ये बॉडी मिस्ट। तो मैंने ना एक्चुअली क्या है, मैं आई एम नॉट अ परफ्यूम पर्सन टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट आई लव टू यू नो अप्लाई अच्छी फ्रेग्रेंसेस लगाना, मुझे पसंद आता है। तो होता है ना, सबका अपना अपना एक सिग्नेचर फ्रेग्रेंस होता है, मेरा कोई सिग्नेचर फ्रेग्रेंस नहीं है क्योंकि मुझे
किसी ने बता दिया, और मुझे जनरली मैं परफ्यूम्स जो है वो रेकमेंडेशंस पे ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे खुद से मैं झाल के लेती हूँ ना तो मुझे समझ में ही नहीं आता, मैं इतनी कंफ्यूज, मेरी नोज कंफ्यूज हो जाती है और मेरा ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है. तो मुझे जो लोग जो मेरे टाइप की फ्रेंड्स हैं वो लोग मुझे कुछ रेकमेंड करती हैं तो मैं डेफिनेटली उसको परचेस करती हूँ. तो इसके ना मैंने काफ़ी ऐसे मैंने हाईएस्ट रेटिंग वाले बॉडी शॉप के मिस्ट डाल दिए थे, जिसमें से फर्स्ट रेटिंग इसकी आती है द 1000 विशेज वाले की. ये भी मैं परचेस कर चुकी हूँ, इसका फुल साइज बॉटल भी है एंड ये मिनी वाला भी मेरे पास है, ये मुझे ठीक लगा था. उसके बाद मैंने ना सेकंड नंबर पे ये आता है किंगम का आता है, इसके भी काफ़ी लोगों ने अच्छे अच्छे रिव्यूज डाले थे, बट ये इतना ज़्यादा माइल्ड है, इतना माइल्ड है कि ये बॉटल में से बाहर ही नहीं आई इसकी फ्रेग्रेंस मुझे, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा माइल्ड है, कुछ फ्रेग्रेंस ही नहीं है, एकदम भीनी भीनी भी नहीं बोलूँगी, और एक घंटे से ज़्यादा ये लास्ट ही नहीं करता है मुझे. तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुई इससे, मतलब ओवर हाइप प्रोडक्ट मुझे लगा, इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस भी नहीं है, स्टे नहीं करता, इसकी स्टेइंग पावर इतनी अच्छी नहीं है, और इतना एक्सपेंसिव आता है, इनका पूरा रेंज इतना एक्सपेंसिव आता है, आई डोंट नो किस खुशी में. मतलब उन सारे परफ्यूम्स में अगर आप मुझसे पूछें ना कि कौन सा मुझे अब तक थोड़ा भी बेटर लगा है और मैं रेकमेंड करूँगी अगर आप मेरे टाइप के इंसान हैं, तो फॉरेस्ट एसेंशियल का जो नरगिस है उसका कोई तोड़ नहीं है ये. और अगर मैं उसको और इनको कंपेयर कर रही हूँ ना, इन सारे बॉटल्स को या जो भी मेरे पास विक्टोरिया सीक्रेट वगैरह है, ये सब मुझे ना आर्टिफिशियल फील हो रहे हैं कि हाँ ये आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस है, पर वो जो नरगिस है दैट इज समथिंग एल्स, वो तो मज़ा आ जाता है उसको लगाने के बाद. तो मुझे ऐसा लगता है आई वुड स्टिक टू नरगिस फॉर नाउ, ट्राई करती रहूँगी मैं कुछ और फ्रेग्रेंस अगर मुझे लगता है मेरे टाइप की है तो, बट मुझे ऐसा लगता है नरगिस इज समथिंग जो मेरे को मेरे पर्सनैलिटी के टाइप का है, तो मुझे वो काफ़ी पसंद आया. एंड इसको मैं इस किट को मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगी. सो उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये, मैं इसको आपको पास से दिखाती हूँ. बहुत ही क्यूट सा है ये, बेसिकली दीज आर द मिनी आयुर्वेदिक लिपस्टिक्स. मेरा काफ़ी टाइम से मन था आयुर्वेदिक लिपस्टिक्स ट्राई करने का, बट मुझे देख के नहीं लगा था कि ये इतना छोटा आएगा, मतलब इतना छोटा पैकेजिंग आएगा. मुझे इसको देखते से ही ना मैं विक्की के सामने हंस रही थी, जो फ्रेंड्स हैं ना उन लोगों की जिनकी बेटियाँ, मैं वही विक्की को बोल रही थी, मैंने कहा ये उनको गिफ्ट करने के लिए बड़ी क्यूट सी चीज़ है. जैसे होता है ना जनरली छोटे छोटे बच्चों को लिपस्टिक लगाने का मम्मियों को देख करके बड़ा शौक होता है, एंड फिर वो केमिकल्स वाले लिपस्टिक आप लोग अलाउ नहीं करते हो, दिस इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर देम, ट्रस्ट मी दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर देम. तो ये जस्ट हर्ब्स का है. अब हम इसको यहाँ से ओपन करते हैं एंड ये है इसके अंदर लिपस्टिक. बिलीव नहीं हो रहा है ना कि ये बड़ों की लिपस्टिक है, बट आयल एंड ट्रैवल करने वाली तो ये वैसी है. इसके ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं, लाइक दिस इज नंबर वन, ये इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर वन टू. इनका जो स्टेइंग पावर है वो 3 से 4 घंटे का है, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल फॉर एन आयुर्वेदिक लिपस्टिक लाइक दिस, और जो कि आपकी लिप्स को हार्म भी नहीं करेगी. तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, इसमें काफ़ी सारे कलर्स हैं, शेड रेंज इज ऑल्सो अमेजिंग गाइज. मतलब दिखाती हूँ मैं आपको, काफ़ी सारे पिंक्स हैं, कोरल्स हैं, ऑरेंजेस हैं, एंड काफ़ी अच्छी शेड रेंज लगी मुझे इनकी. तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, अपनी मम्मी को गिफ्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, कंसिस्टेंसी, स्टेइंग पावर, एवरीथिंग इज परफेक्ट. आपको 500 रुपीज में 60 मिनी स्वाच लिपस्टिक का कलेक्शन मिलता है, जो कि आराम से आपको 8 से 10 बार एक स्वाइप आप मारेंगे ना तो 8 से 10 बार ये एक छोटा सा आपको चलेगा. तो और क्या ही करना है, मतलब आपको सारे शेड्स ट्राई करने को मिलेंगे, फिर उसके बाद जो शेड आपको बहुत पसंद आता है आप वो शेड का फुल साइज वर्जन परचेस कर सकते हैं इसमें. सो यस, दैट्स इट फॉर माय वीडियो, ये थे मेरे सारे प्रोडक्ट्स. आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो. मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय.